शहर में 10 अप्रैल को हुई हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ जारी है। बीती रात पुलिस ने 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य आरोपियों में शामिल अफजल अली मियां मान मोहल्ला और आना नगर निवासी इकबाल बाली को पुलिस ने हिंसा के 26 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। इकबाल पर आना नगर में पथराव आगजनी का मुख्य साजिशकर्ता का आरोप है, जबकि अफजल पर भटवाड़ी मोहल्ले में पथराव लूटपाट और आगजनी के आरोप है। दोनों के खिलाफ पीड़ितों ने नामजद शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया इकबाल को जावरा से जबकि अफजल को इंदौर से पकड़ा है। इनके अलावा झंडा चौक निवासी एक 19 वर्षीय युवक अर्श उर्फ केफ पिता अनवर को भी गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज एवं पीड़ितों की शिकायतों के आधार पर चिन्हित आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अभी 2 आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसमें अफजल डिजायर नाम का एक आरोपी है और दूसरा इकबाल वाली, जिसमें इकबाल वाली जावरा में जाकर छुपा हुआ था और अफजल डिजायर इंदौर में। इन दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया और इसके अलावा एक कैफ नाम का आरोपी है, उसको भी गिरफ्तार किया। अभी तक 72 पकड़ाओं में 182 अरेस्टिंग हो चुकी है। सर, ये मुख्य आरोपी इसमें अफजल डिजायर की मुख्य भूमिका बता रहे हैं, इसने अपनी भूमिका निभाई। सर, आनंद नगर में भी इसमें इकबाल वाली का नाम आ रहा था कि मुख्य दंगों में मुख्य आरोपी था, किस प्रकार से उसकी भूमिका थी? हाँ, इकबाल वाली का भी नाम आ रहा है आनंद नगर के दंगों में, कि वहाँ पर दंगे भड़काने में इसने मुख्य भूमिका निभाई है, लोगों को उकसाने में इसने भूमिका निभाई। एक अन्य आरोपी भी सर बता रहे हैं आपकी? हाँ, एक कैफ नाम का आरोपी भी इसमें मिला है, जो कि इस दंगों में शामिल था और जो कसरावत क्षेत्र में जाकर छुपा हुआ था, जिसकी कल अरेस्टिंग। सर, ये जो 2 आरोपी हैं, इनके खिलाफ पहले भी कोई प्रकरण दर्ज है क्या? इकबाल वाली के खिलाफ 2 प्रकरण दर्ज है और अफजल के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण। सर, अभी जो शेष आरोपी सर, उनकी गिरफ्तारी के लिए किस प्रकार सर प्रयास किए जा रहे हैं? इरफान भी फरार है। इरफान के लिए जैसे कल मैंने बताया था, विशेष टीम लगी है और जिसमें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जल्दी हमें सफलता मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।